फ्री एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। अर्थव्यवस्था के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो है वाणिज्यिक बैंकों के बारे में अध्ययन किया हुआ था, और आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है बैंकों से आगे बढ़ते हुए जो है कुछ विशिष्ट प्रकार के जो है बैंक, जैसे इस्लामिक बैंक, महिला बैंक, सहकारी बैंक, इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। इसके बाद कुछ विशिष्ट संस्थाएं हैं, जैसे जिसमें विनियोग संस्थाएं और NBFC, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जो देखेंगे, जिससे बैंक या ये कहा जाए कि आर्थिक गतिविधियों के जो क्षेत्र में जो विभिन्न संस्थाएं जो है इंगेज हैं, जो उनकी एक्टिविटी है, उससे पूरी अर्थव्यवस्था के परिदृश्य को जो है समझने में जो है आसानी होगी। तो इसके क्रम में जो है हम लोग सहकारी बैंक है, महिला बैंक है और इस्लामिक बैंक है, यहाँ से ज़्यादातर जो है प्रश्न तथ्यात्मक और प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, परंतु इसको भी जो है समझ लेना आवश्यक है। इस्लामिक बैंक है, NBFC और विनियोग संस्थाएं। एक्चुअली भारत में आर्थिक गतिविधियों का दायरा बहुत ही व्यापक है, केवल बैंकों के माध्यम से ही आर्थिक गतिविधियों के जो सभी पक्षों और आयामों को जो है समझना कठिन है, क्योंकि भारत में कई ऐसी जो है आर्थिक गतिविधियां हैं या कई ऐसे संस्थान हैं जो इस क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, और इनके माध्यम से जो है देश के आर्थिक विकास में योगदान भी दिया जाता है, तो इसीलिए उससे संबंधित कई अन्य जो है संस्थाओं को भी समझना जो आवश्यक होता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं सहकारी बैंक, एक चीज़ कई बार हमने जो है बताया पहले से भी कि अगर किसी कॉन्सेप्ट को आप समझने जा रहे हैं तो पहले उसके शब्द को भी समझिए, जिस शब्द के माध्यम से उस कॉन्सेप्ट को बताया जा रहा है, अगर उस शब्द को समझते हैं तो निश्चित तौर पर इससे जो है उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में जो आसानी होती है। जैसे सहकारिता लिखा हुआ सहकारी बैंक, यानी कि इसमें जो है सह है माने साथ में, और कारिता का मतलब सहकारी का मतलब जो कार्य करना, कार्य जो है करना मतलब साथ में जो है कार्य करना, साथ में कार्य करना। कहने का मतलब ये कि सहकारी बैंक एक ऐसे जो है संगठन है, आर्थिक संगठन है, जो समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो है कुछ लोगों के द्वारा साथ में मिल करके कार्य करने के लिए जो है स्थापित किए जाते हैं, तो वो सहकारी जो है संगठन हो जाते हैं। लेकिन चूंकि बैंक है तो ये बैंक भी जो है इसी पैटर्न पर होता है कि लोग उसमें जो है आपस में सहयोग करके जो है अपने आर्थिक उद्देश्य, चूंकि बैंक है तो आर्थिक गतिविधियों से जो है संबंधित है, पहले तो सहकारी शब्द का मतलब समझ में आ गया, फिर जो है वो सहकारी शब्द बैंक से जुड़ा है, इसलिए वह जो है संगठन आर्थिक क्षेत्र में जो काम करता है और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है वो आपस में जो सहयोग और एक दूसरे की सहायता के सिद्धांत पर जो है आधारित होता है। भारत में जो है 20वीं शताब्दी के जो है प्रारंभ में सहकारिता जो है एक आंदोलन के रूप में अस्तित्व में जो है आती है। 1901 ईस्वी में एडवर्ड ला की अध्यक्षता में एक जो है कमेटी बनी, जो इस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी कि भारत में जो भी सहकारिता के क्षेत्र में जो है संस्थाएं काम कर रही, समितियां काम कर रही हैं, वह समितियां जो है कितना ज़्यादा जो है उपयोगी हैं और उसमें क्या सुधार की संभावना, इन सभी विषयों पर जो है काम करने के लिए 1901 ईस्वी में एडवर्ड ला की अध्यक्षता में एक जो है समिति बनाई गई जो है, और इन्होंने जो है अपनी रिकमेंडेशन दिया 1904 ईस्वी में। और आपको ध्यान होगा कि भारत में 1904 ईस्वी से सहकारिता के क्षेत्र में एक आंदोलन भी जो है प्रारंभ हो जाता है। तो ये चीजें जो है तथ्यात्मक जो है और ये प्रारंभिक परीक्षा के स्तर से है, लेकिन पूरी सहकारी बैंकों के ऊपर जो है एक टिप्पणी भी या मुख्य परीक्षा में जो है उत्तर लिखने के लिए जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए सहकारिता के कॉन्सेप्ट आपके समझ में होना चाहिए। अच्छा, चूंकि ये अस्तित्व में क्यों आया, क्योंकि औद्योगिक क्रांति हुई तो
पूंजीवाद का भी उदय हुआ। और पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पर कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जिनका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है, वो तेजी से आगे बढ़ते चले जाते हैं, और एक कामगार वर्ग होता है जिसे उतना ही दिया जाता है जितना कि वो जीवन यापन के लिए उसके लिए जरूरी होता है। तो ऐसी स्थिति में उसकी स्थिति जो है स्थायित्व या कमजोर होती चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में इस अंतर को कम करने के लिए सहकारिता के क्षेत्र में काम प्रारंभ किया गया, कि क्योंकि जो छोटे लोग हैं अगर एक ही हित और उद्देश्य से जुड़े हुए हैं तो वो सहकारिता के क्षेत्र में आए और उसके माध्यम से कार्य करके अपने जिन भी क्षेत्रों के लिए वो संगठन स्थापित किया गया उसके उद्देश्य को प्राप्त करें। इसलिए सहकारिता का एक जो है यहाँ पर जो है आंदोलन जो है प्रारंभ होता है। भारत में जो है हम चूंकि बैंक के बारे में काम कर रहे हैं तो सहकारी बैंकों का जो त्रिस्तरीय ढांचा जो है पाया जाता है, प्राथमिक जो है साख समितियां, प्राथमिक जो है साख समिति, प्राथमिक साख समिति और जिला सहकारी बैंक, या इसे केंद्रीय सहकारी बैंक भी कहा जाता है, सहकारी बैंक, और अगला है राज्य स्तरीय बैंक, राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक। तो इस तरीके से तीन स्तरीय ढांचा के रूप में जो है काम करता है। तो प्राथमिक सहकारी जो समिति है वो गांव के स्तर पर स्थापित की जाती है, न्यूनतम 10 लोग मिलकर के जो है इस तरीके के जो है बैंक की जो है स्थापना या प्राथमिक साख समिति की स्थापना जो है कर सकते हैं। न्यूनतम 10 लोगों की उसमें जो है आवश्यकता होती है, प्राथमिक साख समिति के लिए जो है 10 लोगों की जो है आवश्यकता होती है। ये अल्पकालीन ऋण जो है देती है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज समझना आवश्यक है कि यहाँ पे इन बैंकों को जो वित्त के स्रोत होते हैं, जो वित्त के स्रोत हैं वो तीन जो है क्षेत्रों से प्राप्त होता है। एक तो सदस्यों के माध्यम से, एक तो ये ऋण लेते हैं, और दूसरा इन्हें सरकार के द्वारा जो है अनुदान दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि इन तीनों ही माध्यम से इन्हें वित्त का जो है वित्त पोषण किया जाता है तो ये संगठन ये संस्थाएं जो है मजबूत हो जाती हैं और लोगों की जो है छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है ऋण मुहैया कराती हैं, जिससे इनका जो है क्रमिक रूप से जो है दीर्घकालीन विकास भी जो है इसमें होता है। तो ये माध्यम होते हैं जो वित्त के स्रोत को लेकर के। तो प्राथमिक जो साख समितियां जो है ये सबसे छोटे स्तर पर, निचले स्तर पर जो है ये बैंकिंग की जो व्यवस्था है और इसके माध्यम से जो है अल्पकालीन ऋण दिए जाते हैं, और ऐसी साख समितियां जो 10 लोगों के, न्यूनतम 10 लोगों के माध्यम से स्थापित हो जाती है। जिला सहकारी बैंक या इसे केंद्रीय सहकारी बैंक के नाम से भी जाना जाता है, केंद्रीय सहकारी बैंक के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जनपद स्तर पर काम करती है। ये जो है मध्यकालीन ऋण, यानी कि जैसे 1 वर्ष से लेकर के 3-4 वर्ष तक के लिए जो है ऋण देती है, और इसे जो है राज्य सहकारी बैंक से भी जो है ऋण जो प्राप्त होता है। ये जो है प्राथमिक साख समितियों को भी जो है ऋण देती है। तो इस तरीके से जो इनकी भूमिका जो है थोड़ा सा व्यापक होता है, बड़े क्षेत्र में काम करते हैं और दीर्घकाल मतलब जो है अल्पकाल से जो ज़्यादा और दीर्घकाल से कम समय के लिए जो ऋण देती हैं। राज्य जो सहकारी समितियाँ हैं, राज्य सहकारी बैंक जो है, ये राज्य सहकारी बैंक स्टेट लेवल पर जो काम करता है, ये समन्वय का भी काम करता है, और इसके माध्यम से जिला सहकारी बैंकों को भी जो है ऋण दिया जाता है। सरकार से या RBI तक इसकी ही जो है सीधी पहुंच होती है, प्राथमिक और जिला सहकारी बैंक वहां तक नहीं पहुंचते हैं। अब इसके नियंत्रण के बारे में जो है देखा जाए कि सहकारिता के क्षेत्र में स्थापित होती है, राज्य सरकार की इसमें ज़्यादा भूमिका होती है, RBI का बहुत ही आंशिक इस पर जो है नियंत्रण जो होता है, और ये सहकारी बैंक जो है बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के माध्यम से नियंत्रित होते हैं, या इसके अंतर्गत जो किए गए प्रावधान हैं उसके माध्यम से जो है ये कार्य करते हैं। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 इसके माध्यम से काम करते हैं। तो कुल मिलाकर के सहकारी बैंकों का एक ढांचा आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके अगर उद्देश्य देखे जाए तो भाई सहकारी बैंक बेसिकली जो गाँव में स्थापित होती है उसकी एक जो है स्तरीकृत ढांचा गाँव के स्तर पर, जिला के स्तर पर, राज्य स्तर पर पाया जाता है, और चूंकि सरल व्यवस्थाएं होती हैं, छोटे स्तरों पर लोगों को ऋण वगैरह उपलब्ध हो जाता है, तो इससे बैंक से संबंधित जो
कार्य है उसको ग्रामीण स्तर पर या जमीनी स्तर पर लाने में जो है मदद मिलता है। तो कुल मिलाकर के जो है इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 1901 ईस्वी में जो है एक जो इसमें आयोग या जो है गठन किया गया, जिसने अपना रिकमेंडेशन जो है 1904 ईस्वी में दिया। एक आंदोलन के रूप में जो है सहकारिता जो प्रारंभ हुआ। और भारत में अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो चीनी मिलें जो है सहकारी क्षेत्र में बहुत स्थापित की गई हैं और इन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है। तो सहकारिता के क्षेत्र का बहुत बड़ा उदाहरण जो अगर आपसे पूछा जाए तो चीनी मिल का आप उदाहरण दे सकते हैं कि चीनी मिलें जो है सहकारिता के क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम करते हैं। अगर अभी आप जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो है जाते हैं, अगर अभी आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएं तो वहाँ पे कृषि से संबंधित जो है काफ़ी काम अभी भी जो है गांव के लोग मिलकर के, यद्यपि वो किसी सहकारिता में रजिस्ट्रेशन तो उनका नहीं होता है लेकिन उसका कार्य का स्वरूप कहीं ना कहीं जो है दिखाई पड़ता है। जैसे धान की रोपाई करने की अगर बात आई तो गांव में अगर 10-12 लोग हैं मिल करके जो है रोपाई करते हैं तो सभी का उससे जो है उद्देश्य पूरा। यह सहकारिता है, सहकारी बैंक नहीं। सहकारी बैंक तो दूसरे सेटअप में काम करता है लेकिन सहकारिता की अवधारणा को अगर समझना है तो इन सभी चीज़ों को समझना जो है जरूरी होगा। तो ये बातें रही जो है हम लोगों की जो है सहकारी बैंक के जो है क्षेत्र में। दूसरा है जो महिला बैंक। भारत में जो है बैंकिंग क्षेत्र में जैसे इकोनॉमी में अक्सर यह होता है कि बहुत ही शीर्ष स्तर पर बहुत ही कम जो है प्रतिनिधित्व महिलाओं का है, इसलिए आर्थिक क्षेत्रों से उनको जोड़ने के लिए एक स्पेशलाइजेशन किया गया कि जो है महिलाओं के जो है कार्यों पर आधारित जो है एक बैंक ही होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो है बैंक की भी जो है स्थापना, महिला बैंक की स्थापना जो है 2013 ईस्वी में जो है भारत में महिला बैंक की जो है स्थापना की गई। मुख्यालय इसका शुरू तो मुंबई में किया गया लेकिन दिल्ली में इसका जो है मुख्यालय जो बनाया गया, बाद में इसे जो है SBI के अंतर्गत जो है मर्ज कर दिया गया। क्योंकि कई चीज़ें होती है आर्थिक ही लेन देन से ऋण देना और जो है बचतों को जो स्वीकार करना, ये सारी चीज़ें ही जो है बैंकिंग से क्षेत्र से ही जुड़ी थी। तो एक व्यापक दायरे के अंतर्गत जो है पिछले कुछ समय में जो बैंकों का जो विलय किया गया, 3 से 4 बैंकों को आपस में जो है मर्ज कर दिया गया। तो इसी क्रम में इसका भी निर्णय लिया गया लेकिन एक बार यह प्रारंभ किया गया था। तो एक छोटी सी जानकारी तथ्यात्मक ही जो है आपको होनी चाहिए कि मतलब यह भी कभी अस्तित्व में जो है आया था जो है, और बाद में बैंकिंग के एक व्यापक दृष्टिकोण को अपनाने के कारण से इसे SBI में जो है मर्ज कर दिया गया। इस्लामिक बैंक 1974 ईस्वी में सबसे पहले अगर दुनिया में देखा जाए तो मिस्र में जो है स्थापित जो किया गया जो है, और इंडिया में जो है आकर के जो है कोच्ची में, केरल के जो कोच्ची में जो है भारत में जो है अगर देखा जाए तो इसकी जो है स्थापना जो की गई थी। बैंक की जो है भारत में स्थापना जो है केरल की कोच्ची में पहली बार की गई थी और 1974 ईस्वी में जो वैश्विक स्तर पर जो है मिस्र में इसकी स्थापना की गई। तो यहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादातर तथ्यात्मक ही पूछे जाते हैं तो इसके बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है। और कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ साथ बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अगर तथ्य पढ़ते हैं तो आपका जो अध्ययन है या जो कॉन्सेप्ट है वो मोनोटोनस नहीं होता है, नीरस नहीं होता है, और इससे तथ्य और जो है कॉन्सेप्ट दोनों की जो है तैयारी होती रहती है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, टॉपिक है, वो है एनबीएफसी। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज की डेट में जो है यहाँ से टिप्पणी भी पूछा जाता है, प्रारंभिक परीक्षा में भी सवाल पूछे जाते हैं एनबीएफसी। इसको तो पहले अगर हम इसके फुल फॉर्म को देखेंगे तो यहीं से जो है आपको काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त हो जाती है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या संस्थान उसको कह सकते हैं लेकिन कंपनी ही यहाँ पर जो है फुल फॉर्म के रूप में आता है। तो यहाँ पर हो गया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी कि एक ऐसा वित्तीय जो संस्थान है, वित्तीय जो कंपनी है जो बैंकिंग नॉन बैंकिंग गैर बैंकिंग होते हुए भी जो है वित्तीय संस्थान। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नॉन बैंकिंग वित्तीय जो कंपनी एक ऐसी जो है आर्थिक जो है संस्था है जो बैंक ना होते हुए भी जो है बैंक से संबंधित जो है कुछ लेन देन से संबंधित जो है गतिविधियों का जो संचालन जो है करती है, वो होती है जो है एनबीएफसी जो है कंपनी। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह किस रूप में जो है एनबीएफसी जो है यह किस रूप में जो है बैंक से जो है डिफरेंट है। तो ये मांग जमा जो है स्वीकार नहीं करती, जैसे बैंक में जो है मांग जमा स्वीकार किया जाता है। मांग जमा से तात्पर्य यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है सेविंग अकाउंट जो है खोलता है
और उसमें 10,000 रुपये वो जमा करता है, तो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किसी भी कार्य दिवस में जाकर के बैंक से वो जो है धनराशि विड्रॉ कर सकता है, आहरण कर सकता है, निकाल सकता है। तो ये हो जाता है जो उसे कहते हैं मांग जमा। लेकिन जो NBFC होती है, ये अगर कोई भी धनराशि किसी योजना के अंतर्गत जो है प्राप्त करती है तो वो एक मैच्योरिटी टाइम पर ही जो है वापसी होगी उसकी, उसके जो है टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग होंगे, उसमें डेली की जो बैंकिंग गतिविधियां जो है नहीं होंगी। तो ये NBFC होती हैं, इनके माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में जो है महत्वपूर्ण देश के विकास से संबंधित जो गतिविधियां हैं उसमें निवेश किया जाता है, और मैच्योरिटी टाइम पर जब उन्हें वापसी होती है तो उसका एक छोटा सा अंश अपने पास रखते हुए शेष जो है उन पक्षों और व्यक्तियों को जो है वापस करते हैं जहाँ से इन्होंने जमा कुछ विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो है इन्होंने जो है निवेश प्राप्त किया था, मतलब उनसे जो है धनराशियां जो है प्राप्त किया था, तो वित्त को प्राप्त किया था, पूंजी को प्राप्त किया था, तो ये उन लोगों को जो है लाभ के साथ जो से वापस करते हैं जो है। तो ये होती हैं जो है NBFC, और ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती हैं, इसलिए इनका रजिस्ट्रेशन कंपनी है 1956 के अंतर्गत जो है ये रजिस्टर्ड होती हैं। इनको एक्चुअली आर्थिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, इसलिए RBI से इनको दिशा निर्देश तो प्राप्त होता है या हो सकता है, परंतु ये रजिस्ट्रेशन इनका जो है वो अंडर कंपनी एक्ट 1956 इसके अंतर्गत जो है रजिस्ट्रेशन जो है होता है, इसीलिए ये कंपनी नाम भी यहाँ पर जो है आता है। तो NBFC के संदर्भ में यही हो गया कि जो है ये बैंक नहीं है परंतु लेन देन से संबंधित जो है कार्य करती हैं और जनता से जो है धन प्राप्त करती हैं, उसको विभिन्न प्रकार के आर्थिक जो है गतिविधियों में जो है उसे निवेश करती हैं, वहाँ से प्राप्ति होने के बाद उसमें उन लोगों को जो है वापसी करती हैं जिनसे इन्हें जो है प्राप्त हुआ होता है। तो इस तरीके से NBFC की जो है एक तथ्यात्मक योग है। शर्तें इसमें होती है कि कोई भी NBFC जो है वो 2 करोड़ रुपए के जो है न्यूनतम पूंजी के साथ जो प्रारंभ की जा सकती है, और इसके NBFC के संदर्भ में कुछ गाइडलाइन भी जो है आई है, और वो गाइडलाइन इसलिए आई है क्योंकि पिछले कुछ समय से देश में NPA जो है बढ़ता गया, तो दिवालिया होने के जो है आशंका और डर इत्यादि के कारण से देश में आर्थिक संतुलन बना रहा है, इसलिए समय समय पर गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं। तो इनको बताया गया कि ये जो है 5% से ज़्यादा जो है इनका जो है NPA नहीं होना चाहिए, NPA जो है वो 5% से जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां, इसको बोलते हैं हिंदी में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इसको कहा जाता है। और इनके लिए एक और भी चीज़ कहा गया है कि ये 11% से जो है ज़्यादा पर जो है, जैसे जो ऋण प्राप्त करते हैं उनके लिए जो है ब्याज दर जो है निर्धारित किया गया कि इससे ज़्यादा जो है नहीं होना चाहिए। तो ये इन जो है शर्तों के अधीन जो है काम करती हैं NBFC। तो NBFC के बारे में जो है एक ये विशेष रूप से जो है जानकारी थी। तो इससे आप लोगों को जो है परीक्षा में अगर कहीं टिप्पणी लिखने के लिए आता है तो इससे पर्याप्त जो है कंटेंट आपको जो प्राप्त हो जाएंगे, जिससे आपको उत्तर लिखने में जो है मदद मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि NBFC भी जो है आप लोग समझ गए होंगे कि NBFC का क्या जो है क्राइटेरिया है, क्या दायरा है जो है, तो ये उसकी जो है विशेषताएँ जो है हैं। अगली है विनियोग संस्थाएँ भी जो है, ये भी जो है बैंक से जो है अलग रूप में जो है काम करती हैं और जनता से जो है धन प्राप्त करती हैं, उनकी बचतों को जो है प्राप्त करती हैं और विभिन्न प्रकार के जो है औद्योगिक आर्थिक क्षेत्रों में जो है निवेश करती हैं और वहाँ से जो लाभ प्राप्त होता है तो उसको उसका जो है वितरण जो है करती हैं। यही कॉन्सेप्ट इनका भी होता है। और इन विनियोग जो संस्थाओं में जो है 2 प्रकार की जो है संस्थाएँ मुख्य रूप से जो सम्मिलित होती हैं, एक तो जो बीमा होता है, दूसरा जो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आज की डेट में जो है अक्सर ये सुनाई पड़ता है कि लोग जो है अपने स्तर पर ही निर्णय लेते हैं, या बहुत ही सरल स्तरों पर जो है निजी स्तरों पर जो है निर्णय लिया जाता है, अपनी जो बचतें होती हैं उसको म्यूचुअल फंड में जो है लगाया जाता है और विभिन्न प्रकार के जो है तेजी से उभरती हुई कंपनियों में वहाँ पर निवेश करते हैं ये म्यूचुअल फंड, जिससे जो है उनको ज़्यादा जो प्राप्तियाँ जो है होती हैं। तो इसलिए ये बीमा और म्यूचुअल फंड ये दोनों ही जो विनियोग संस्थाओं के जो श्रेणी में जो सम्मिलित होते हैं, इनका भी देश के जो आर्थिक विकास आर्थिक गतिविधियों में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो रोल होता है, क्योंकि बैंक हर जगह नहीं पहुंच पाते या बैंक के कुछ अन्य दायरे भी होते हैं
और कुछ उनको उसके कारण से लाभ भी मिलता है और उसके कारण से कुछ उनको शर्तें भी पूरी करनी होती हैं। जैसे हम लोग जब शुरू में पढ़ रहे थे जो वाणिज्यिक बैंकों को, तो उनमें यह था कि उनको क्लियरेंस की सुविधा मिलती है, आरबीआई से ऋण जो है प्राप्त होता है, लेकिन इसके बदले में उनको जो है एसएलआर और सीआरआर के रूप में जो है कुछ शर्तों को भी पूरा करना पड़ता है, जो कि सांविधिक रूप में या जो है कैश के रूप में जमा करना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो इनके ऊपर जो है लागू नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ पर जो है काम करने की जो स्वतंत्रता की दशाएँ जो है विद्यमान होती हैं। तो बीमा के क्षेत्र में जो है और म्यूचुअल, ये दोनों ही जो है विनियोग संस्थाओं के रूप में होती हैं। बीमा इंश्योरेंस कंपनी होती हैं, भारत में जो पहली बीमा कंपनी थी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी आई थी, और उसके बाद 1956 ईस्वी में और 1972 ईस्वी में यह क्रमशः जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC और जनरल कॉरपोरेंस GIC जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की जो है स्थापना की गई यहाँ पे। बाद में बीमा के क्षेत्र में मल्होत्रा जो समिति का जो है गठन किया गया। ये क्वेश्चन भी सीधे पूछता है या कभी कभी मिलान में जो है ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि जो बीमा के क्षेत्र से संबंधित कौन सी जो समिति स्थापित की गई थी, या मल्होत्रा समिति जो है किस क्षेत्र से जो संबंधित है। तो मल्होत्रा समिति जो है गठित की गई थी, इन्होंने विदेशी और निजी क्षेत्र को भी बीमा के क्षेत्र में लाने की जो है रिकमेंडेशन जो दिया हुआ था, और बाद में जो है 2000 ईस्वी में इन सभी को रेगुलेट करने के लिए जो है IRDA की स्थापना की गई। IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट जो है अथॉरिटी, बीमा विकास प्राधिकरण की स्थापना जो है किया गया, जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीमा विकास एवं विनियामक प्राधिकरण इसको हिंदी में बोला जाता है, और इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में जो है की गई थी। तो ये जो है कुल मिलाकर के बीमा से संबंधित एक संक्षिप्त जो है परिचय है कि बीमा से संबंधित जो पहली कंपनी थी आपको बताया गया ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी थी। बाद में जो है एक महत्वपूर्ण जो कंपनी 1956 ईस्वी में LIC की जो स्थापना की गई, 1972 ईस्वी में GIC की स्थापना की जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की, फिर बाद में मल्होत्रा कमेटी की का गठन किया गया, 2000 ईस्वी में इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो है स्थापना की गई, जिसके माध्यम से जो है इन समस्त जो बीमा से संबंधित जो है विकास के कार्यों को जो है कोऑर्डिनेट करते हुए उनका जो है विनियमन किया जाना संभव हो पाया। म्यूचुअल फंड की जो स्थापना है वो बीमा या जो है बैंक या इसी तरीके से बड़े वित्तीय संस्थान के द्वारा जो है स्थापित किया जाता है। म्यूचुअल फंड जो होती हैं लोगों की छोटी छोटी बचतों को आकर्षित करने के लिए यूनिट्स जारी करते हैं, उन यूनिट्स के माध्यम से जो है उनकी जो है बचत को जो है प्राप्त करती हैं, और पुनः ये भी जो है इसी तरीके से देश के जो है विकास में जो चल रही योजनाएं और औद्योगिक क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों में जो निवेश जो है करती हैं। वर्तमान समय म्यूचुअल फंड का जो है एक जमाना जैसा आया हुआ है, और बहुत से लोग जो है म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करते हैं। जो है भारत में 1964 ईस्वी में जो पहली बार जो है UTI की स्थापना, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जो स्थापना की गई, जो कि भारत का पहला म्यूचुअल फंड है, और आज की डेट में जो है HDFC म्यूचुअल फंड और इसी तरीके से जो है SBI म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, LNT म्यूचुअल फंड के नाम से बहुत सारी जो है कंपनियाँ जो है देश में जो काम कर रही हैं। इन सभी का म्यूचुअल फंड अगर ऐसे हिंदी में देखा जाए क्या कहा है कि जो लोग अलग अलग लोग हैं यहाँ पे और विभिन्न क्षेत्रों से जो उनको आय प्राप्त हो रही है उससे कुछ बचत जो करते हैं, तो ये होता है कि वो अकेले उस बचत का क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर उनकी छोटी छोटी वस्तुओं को एक जगह पे लाया जाए तो वो देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। तो इसी के अंतर्गत जो म्यूचुअल फंड जो है यूनिट्स जारी करके जो है उनकी वस्तुओं को प्राप्त करता है और उस बचत को देश के विकास में निवेश के रूप में लगाता है, और वहाँ विकास भी होता है, और इनको इनके जिस अनुपात में जो है ये निवेश करते हैं उस अनुपात में इनको लाभ भी प्राप्त होता है। तो म्यूचुअल फंड इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम करता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है सहकारी बैंक के साथ साथ जो महिला बैंक, इस्लामिक बैंक, विनियोग संस्थाओं के बारे में जो हम लोगों ने जो अध्ययन किया। तो उम्मीद करता हूँ कि भारत में जो RBI और वाणिज्यिक बैंक ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो सेक्शंस है ही, परंतु उसके साथ साथ में उससे जुड़ी हुई जो है गतिविधियों में कुछ अन्य संस्थाएं भी काम करती हैं, तो इसके माध्यम से आपके एक समझ में जो है व्यापकता जो है आई होगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण होगा और आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। तो अगले लेक्चर में पुनः हम इकोनॉमिक एक नए जो है टॉपिक के साथ जो मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। नमस्कार।